नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं संभल के तरफ हूँ, एक दौलतपुर गांव में। और यहाँ पर ये एक मक्का का खेत है जो ऊपर से काट दिया गया है। अभी ये जहाँ खेत है, इन खेत में किसान भाई हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ पूछेंगे। तो देखते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, ये किसान भाई आ चुके हैं खेत में और इनसे कुछ पूछूँगा मैं कि ये क्यों काट गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो बताइए भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कितने महीने पहले बोई गई थी मक्का? ये करीबन 2 महीने पहले बोई थी। थोड़ा ज़ोर से बोलियो। ये 2 महीने पहले, 2 महीने पहले बोई गई थी। और क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितने भी खेत हैं, बहुत सारे मक्का के खेत हैं और ये अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है इसमें फसल। तो अच्छा, ये बताइए ऊपर से क्यों काट दी गई है? ऊपर से इसके अंदर जो दाना होता है उसे अच्छी तरीके से पक जाए, इसलिए काट देते हैं ऊपर से। अच्छा, इसमें जो ऊपर है तो उसको काट दिया गया है क्योंकि इसमें जो दाना है भुट्टे का वो अच्छे से पक जाए, इसलिए काट दिया गया है। अच्छा, 2 महीने पहले बोई थी, तो इसमें कितना समय रह गया है इसको तोड़ने में? अब ये 8 दिन बाद टूट जाएगी। 10 या 15 दिन में? 10-15 दिन में टूट जाएगी। तो इसमें एक बीघे में कितने क्विंटल निकल आता है? लगभग 4-5 क्विंटल बीघे का निकल आता है। अच्छा, इसको मंडी में बेचा जाएगा या फिर कोई और तरीका है बेचने का? मंडी में बेच देते हैं, नहीं तो मुर्गी फार्म वाले घर से ले जाते हैं। अच्छा, तो इसे ज़्यादातर ये इसका दाना निकाल करके भुट्टे का और मुर्गी फार्म वाले जितने भी हैं वो ले जाते हैं। अच्छा, रेट क्या है इस टाइम मक्के का? है भाई 1000 रुपये। तो इसका मतलब एक बीघा में लगभग 5000 बीघा मक्का बैठ जाती है, इसका मतलब सही हिसाब से है। और 2 महीने की फसल है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना है इसमें, किसानों को थोड़ा अच्छा मुनाफा हो जाता है क्योंकि 2 महीने के बाद ये हो जाता है। अब देखो, मैं यहाँ पर भुट्टा दिखाऊंगा कि काफ़ी भुट्टे आए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। थोड़ा जूम करके देखिए कितना भुट्टा आया हुआ है इसमें। तो ज़रा पकड़ के दिखाई, 2-4 भुट्टे इकट्ठे करके देखिए, ये भुट्टे पकड़े हुए हैं काफ़ी। ये पूरा खेत ही भुट्टों का है। अभी 10-15 दिन में तोड़ लिए जाएंगे और फिर इसको मुर्गी फार्म वाले घर से ही ले जाते हैं 1000-1200 रुपये कुंटल में। तो चलो, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल किसी दूसरी फसल के साथ फिर अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर होंगे। नमस्कार, बाय बाय।